हेलो मामा, अमेरिका से आए हो क्या भांजे? नहीं तो मामा, तो फिर हिंदी में बोलो ना बेटा। नमस्ते मामा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बेटा क्या चल रहा है? यहाँ तो मामा फॉग चल रहा है। अबे मेरा मतलब तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ मामा, मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अच्छी बात है बेटा, वो तो हमें ही पता है। अच्छी बात है। क्या कहा? कुछ नहीं मामा, वो मैं कह रहा था, अकेला आप बहुत दिनों बाद आए। बहुत दिनों बाद नहीं बेटा, बहुत सालों बाद आया हूँ। अच्छा मामा, इतनी गर्मी हो रही है, आप ये मास्क क्यों लगाए हो? उतारो मास्क। बेटा मुझे तो गर्मी नहीं लग रही है। आपको गर्मी नहीं लग रही है? नहीं, फिर भी मास्क उतारो मामा। नहीं बेटा, मास्क नहीं उतार सकता मैं। हाँ मास्क उतारो, मुझे आपका मुंह देखना है। नहीं बेटा, तुम मेरा मुंह नहीं देख सकते। पर क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि मैं अब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। किसने मार लिया आपकी? अबे मेरी किसी ने नहीं मारी है। वो क्या मामा? बेटा मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, इस वजह से मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। तो क्या गर्लफ्रेंड के भागने से कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता? वो बात नहीं है बेटा, गर्लफ्रेंड तो पहले ही भाग गई थी, बात तो कुछ और ही है। तो क्या बात है? ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में हुआ करता था। मेरे पास एक बुलेट और एक प्रीति दाम की फिटिंग थी। अरे मामा, पूरी कबीर सिंह की स्क्रिप्ट सुना रहे हो? सुना नहीं रहा हूँ, कबीर सिंह मुझ पर ही बनी थी। तो फिर मामा स्पाइडरमैन मुझ पे बनी थी? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। पर तुम तो मामा वकील हो, कबीर सिंह डॉक्टर था। अरे सब झूठ दिखाया है, पूरी पिक्चर फिर भी बनाई है। शिवा को जानते हो जो पिक्चर में था? हाँ, उसका पक्का और सच्चा दोस्त था। हाँ जी, लंड था, वही तो भागा था प्रीति को लेके। पर मामा पिक्चर में तो मुझे हर शिवा नाम के इंसान से बदला लेना है। तो फिर मामा इतने सालों में बदला क्यों नहीं लिया? एक बार कोशिश की थी शिवा से बदला लेने की। तो फिर बदला लिया था? नहीं ले पाए थे। क्यों मामा, आप तो बदला लेने गए थे। गए थे तभी तो। तभी तो क्या? तभी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। क्या हुआ था जो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे? जो तुम समझ रहे हो वही हुआ था।